हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, जिसमें हमें बात करना है एशिया में मिनरल्स के बारे में। यहाँ पे खनिजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर खनिजों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके किसी भी देश या किसी कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए, या उस कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। वहाँ पर जो मिलने वाले मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर श्रीलंका की, श्रीलंका की शुरुआती से बात करते हैं। श्रीलंका शुरू करेंगे, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अगर हम बात करें यहाँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो मिनरल्स मिलते हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जान लीजिए। श्रीलंका में जो मिनरल मिलता है नीलम, वहाँ मिलते हैं नीलम मिलता है नीलम नीलम और जिरकोन। क्या है? जिरकोन के लिए प्रसिद्ध है ये, नीलम और जिरकोन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो श्रीलंका होता है। ये दो तरह के मिनरल्स यहाँ मिलते हैं, नीलम और जिरकोन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा ये। तो फर्स्ट और ये सेकंड दो चीज़ें आप जानेंगे, तो नीलम जो कि दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर अफ़गानिस्तान के बारे में, तो अफ़गानिस्तान में मिनरल्स की बात तो बहुत कम होती है, वैसे ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर मिनरल्स में नहीं आ पाती हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो इसकी जो यहाँ पर डेवलप होती हैं, जैसे सूती वस्त्र होता है, साबुन, जूता, फर्नीचर, इसके लिए काफ़ी हद तक जाना जाता है। किसके लिए? अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान किस लिए जाना जाएगा, तो अफ़गानिस्तान की बात करें तो शूज़ इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पर आप देखेंगे अफीम का जो खेती होता है वो भी देखा जाएगा, अफीम हो गया। और अगर हम कॉटन इंडस्ट्री बात करें, कॉटन टेक्सटाइल की बात करेंगे, सूती वस्त्र की, तो यहाँ पर मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आपका फर्नीचर्स की, तो इसकी बात करें, फर्नीचर की बात कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है जो चीज़ जानी जाती है, यहाँ निर्यात जो की जाती चीज़ें जो यहाँ से निर्यात होती है वो आपकी कालीन और ऊन होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको कालीन और ऊन का भी निर्यात देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर आगे हम बात करें कुछ और देश, जैसे चाइना की बात कर लें, चाइना में अगर हम देखें यहाँ पर, तो मिनरल्स की काफ़ी हद तक मात्रा यहाँ पर देखी गई है, मिनरल्स काफ़ी हद तक यहाँ मिलते हैं। तो मिनरल्स में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कई सारे देश जैसे कोयला हो गया यहाँ पर, यहाँ पर आपका लोह अयस्क हो गया, टंगस्टन हो गया, तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? कोल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चाइना की बात कर रहे हैं, कोल मिलेगा, एल्युमिनियम होगा, यहाँ पर आपका बायराइट भी हमें देखने को मिलेगा, बायराइट भी यहाँ मिल जाएगा। और भी देखें, कैडमियम हो गया, कैडमियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये आपकी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और अगर हम देखें कहाँ कहाँ मिल सकता है ये सारी चीज़ें, कहाँ मिलती हैं यहाँ पर, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। कोल अगर देखें, कोयले की बात करते हैं, कोल कहाँ मिलेगा यहाँ पर, तो कोल यहाँ पे सांसी में मिलता है, सांसी मिलेगा, सैंसी में मिलेगा, और हैबर्ड में मिलेगा, हैबर्ड में, हैबर्ड में। और अगर हम बात करें आयरन और एंटीमनी की बात करें, आयरन और एंटीमनी की बात करें, तो साउथ मंचूरिया में मिलेगा, देखा जाएगा तो ये साउथ मंचूरिया में, आपका तापेह में देखने को मिलेगा, तापेह में, फिर शांतनु में देखने को मिलेगा, शांतनु में, और शान में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? शान में। और उसी तरह अगर हम बात करें तांबा की, कॉपर की बात करें, तो कॉपर कहाँ मिलता है यहाँ पर? कॉपर यहाँ आपको मिलेगा हुन्नान प्रांत में, कॉपर आपको देखने को मिल सकता है यहाँ, हुन्नान प्रांत में कॉपर मिलता है चाइना के। और पेट्रोलियम अगर देखें कि चाइना में पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, चाइना में अगर पेट्रोलियम की बात करें, तो जेचुआन में मिलता है, जेचुआन में मिलेगा, कांसू में मिलेगा, कांसू मिलेगा, और सीक्यांग में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? सीक्यांग में। यहाँ पर आपको ये मिलेगा पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम जो होगा। और टिन की अगर बात करें, टिन और टंगस्टन की बात करें, तो मिलेगा क्यांगसी, कहा क्यांगसी की बात करें, क्वांगतुंग की बात करें, क्वांगतुंग की बात करें, और यूनान की बात करें, इसकी यूनान, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन सब क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिनरल्स के फॉर्म में मिलेगा। चीन में जो ऊर्जा का मेन सोर्स है वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कोल है मेन सोर्स। जैसे इंडिया में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो कोयला है, तो यहाँ भी आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या है? कोयले का है। अब बात करते हैं जापान में, तो जापान में क्या होता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तो है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर नहीं मिलते हैं, ज़्यादा मिनरल रिसोर्स यहाँ नहीं। औद्योगिक क्षेत्र तो यहाँ पर बहुत सारे हैं,
अब बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र जैसे क्वांटो का मैदान हो गया, या कोबे ओसाका हो गया, नगोया हो गया, नागासाकी हो गया। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन की अगर हम बात करें, कहाँ पर, जापान में। जापान का इंडस्ट्रियल रीजन अगर हम देखें यहाँ पर क्या होगा, तो जापान में होगा क्वांटो का मैदान हो गया। किसका? क्वांटो का मैदान हो गया, ठीक है, क्वांटो का मैदान हो गया। कोबे ओसाका प्रदेश हो गया, कोबे ओसाका प्रदेश हो गया। और आगे हम बात करें अगर नागासाकी हो गया, नागासाकी हो गया, नगोया हो गया, क्या हो गया, नगोया हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर देख पाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर होती हैं। कहते हैं इस्पात उत्पादन की दृष्टि में जो देखा जाए, जापान का विश्व में तीसरा स्थान है। अगर हम देखें जापान का, आपका स्टील प्रोडक्शन में वर्ल्ड में थर्ड प्लेस है। स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में थर्ड प्लेस पे आपका ही आएगा। वर्ल्ड में किस प्लेस पे आएगा? थर्ड प्लेस पे इसका स्थान यहाँ पर देखा गया। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। नगोया जो कि जापान का डेट्रॉयड भी कहते हैं, जापान का ब्रेडफोर्ड भी कहते हैं, जो कि नगोया है यहाँ पर, नगोया का स्थान है जापान में, जिसको क्या कहते हैं, जापान का डेट्रॉयड, मतलब मैकेनिकली उसको काफ़ी स्ट्रांग माना गया। नगोया क्या है? जापान का डेट्रॉयड, क्या बोलते हैं उसको, जापान का डेट्रॉयड, मतलब कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस हो जाएगा ये, डेट्रॉइट बोलते हैं इसको। या फिर अगर बात किए जापान का ब्रेड फोर्ट, क्या बोलते हैं, जापान का ब्रेड फोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेड फोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा सकता, ब्रेड फोर्ट बोलते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा गया, यहाँ कई सारी कंपनियाँ भी हैं आपकी, कौन सी, मित्सुबिशी हो गई, टोयोटा हो गई, सुमिटोको हो गई, निशान हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनियाँ भी यहाँ की देखी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा व्यापारिक समूह अगर देखा जाए, सबसे बड़ा सहयोगी व्यापारिक समूह क्या है, यूएसए देखा गया है। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है यूएसए है। इसी तरह आपकी बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में भी काफ़ी मिनरल्स तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ काफ़ी एरिया में यहाँ पर चीज़ें आपकी होती हैं, ऑयल रिजर्व गैस यहाँ पर क्या है, क्षेत्र प्रसिद्ध है यहाँ पर। जैसे कौन सा एरिया हो गया, यहाँ के दो शहर हैं अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के दो शहर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इंडोनेशिया की बात करें अगर हम, तो इंडोनेशिया एशिया में दो शहर हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसके। एक तो यहाँ पर शहर है कौन सा, बालिकपप्पन, एक शहर है बालिकपप्पन, कौन सा है, बालिकपप्पन। और दूसरा शहर यहाँ पर बालिकपप्पन क्या है, ये आपका ऑयल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। किसके? ऑयल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है ये। और अगर हम दूसरे शहर की बात करें सामांदरा, समारिंदा, समारिंदा की अगर हम बात करें, तो समारिंदा तेल और कोयला क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है यहाँ पर। किसका है? तेल और कोयला, ऑयल एंड कोल के लिए प्रसिद्ध है ये, ऑयल एंड कोल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो निवासी होते हैं उसे डायक बोलते हैं, यहाँ के जो निवासी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के इस रीजन के, उसे डायक कहा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र जो यहाँ पर देखने मिलेगा। इसी तरह अगले यहाँ पे ओपेक हिस्सा, ओपेक कंट्रीज़ का हिस्सा भी बनाया गया इसको। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मिनरल्स उन्होंने बताया। अगले वीडियो में और भी कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में जानेंगे एशिया के। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ बातें आपको जानने को मिली होंगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, यूपीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछे जाने क्वेश्चंस, कल मिलेंगे अच्छे इंपॉर्टेंट।